हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं रेलगढ़ यूट्यूब चैनल। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो नई 44 वंदे भारत बनाई जाएंगी, क्या उनके लिए अलग रूट डिसाइड होगा और किन रूट पर चलने के ज़्यादा चांसेस हैं? क्या वो बुलेट ट्रेन के साथ चलेंगी या उन्हीं के रूट्स पर चलाई जाएंगी और कितनी स्पीड में चलाई जाएंगी? तो इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जानेंगे। और दूसरा कमेंट ये है कि क्या CRRC, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और आप सबको पता है कि जो भारत के अंदर दो वंदे भारत सक्सेसफुली चल रही हैं, उसका बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास था, जिसमें 35 करोड़ का जो बजट था वो CRRC कंपनी का था। तो इस हिसाब से जो 44 वंदे भारत बनाई जाएंगी, क्या उसमें CRRC कंपनी, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका रोल होगा या नहीं होगा, जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें की क्या सच्चाई है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रेलवे से जुड़े हुए अपडेट्स आपके लिए चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे भारत के अंदर नई 44 वंदे भारत बनाई जाएंगी, इसमें जो है स्टील का प्रयोग किया जाएगा, साथ में एल्युमिनियम का प्रयोग भी किया जाएगा कुछ पार्ट्स के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ट्रेन 20 आने वाली थी उसको एल्युमिनियम बॉडी में बनाया जाने वाला था, जिसकी वजह से जंग का खतरा नहीं होगा। लेकिन जो हमारे भारत के अंदर वंदे भारत चल रही है वो बनी है स्टेनलेस स्टील की, तो उसमें कुछ टाइम बाद जो है कोरोजन यानी कि जंग का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन दो मटेरियल का मिक्सचर यूज़ किया जाएगा, जिससे जो है जंग का खतरा ना हो सके और ट्रेन थोड़ी सी हल्की हो सके, जिससे इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ाई जा सके। अब आप सबको पता है कि भारत के अंदर सेल कंपनी द्वारा R260 रेलवे ट्रैक्स बनाए गए थे, जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन्स को अपने ऊपर चला सकती है। तो उन ट्रैक्स पे संभावना है कि ये 44 वंदे भारत जो बनाई जाएंगी उन पर चलाई जाएंगी, और उनके लिए कुछ रूट्स भी डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ बता दें कि अभी एक साउथ ईस्टर्न रेलवेज ने ट्वीट किया था कि रेलवे का बड़ा तोहफा, शीघ्र दौड़ेंगी 7 बुलेट ट्रेनें। तो 7 बुलेट ट्रेनें तो दौड़ेंगी, लेकिन उस न्यूज़ आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई थी, इन 7 रूटों पर बुलेट ट्रेनें तो दौड़ेंगी, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। सो यहाँ पे कुछ रूट डिसाइड हैं, नोएडा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, नासिक, मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना, जलंधर। तो ये सारे कुछ रूट जो हैं इसमें शामिल हैं, और इसमें ये भी बात कही हुई थी कि इसमें जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेनें जो वो भी चलाई जाएंगी और बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी, हालांकि इनकी टाइमिंग अलग अलग होंगी या फिर ये वीकली वाइज चलेंगी, लेकिन इन्हीं रूट्स पर डिसाइड करेंगी, इन्हीं रूट्स पर ये चलाई जाएंगी। और इन रूट्स को बनाने के लिए यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो ट्रैक्स बनाए जाएंगे एक्सप्रेसवे और हाईवे के एक साथ में पैरेलल में बनाया जाए, ताकि वहाँ पे एक्सप्रेसवे हाईवे साथ में इन बुलेट ट्रेन या फिर हाई स्पीड ट्रेनों के लिए जो है ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे, जिससे सारा कंस्ट्रक्शन जो है किसी एक कंपनी के या फिर एक साथ किया जाएगा, जिससे काम में काफ़ी तेजी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है रेलवेज ने डिसाइड की है। तो संभावना है कि ये जो रूट डिसाइड किए गए हैं बुलेट ट्रेन के लिए, इन्हीं के साथ नए ट्रैक्स डाले जाएं इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए, या फिर इन्हीं ट्रैक्स पे जो है बुलेट ट्रेन के साथ साथ इन ट्रेनों को चलाया जाए। तो ये तो बात हो गई कि हाँ 44 वंदे भारत चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये 3.5 साल या 3 साल के अंदर जो है पूरी तरह से चलने लगेंगी। विनोद कुमार यादव जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि कब ये चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। और आप सबको एक और जानकारी दे दें कि अब जो है वंदे भारत 3 फैक्ट्रियों में बनाई जाएगी, जो कि पहली है ICF चेन्नई में, दूसरी कपूरथला और तीसरी जो है रायबरेली में। तो इन सारी 3 फैक्ट्रियों में भी अब 44 वंदे भारत का जो है, तो 44 वंदे भारत के लिए जो 3 फैक्ट्रियाँ डिसाइड की गई हैं, यहाँ पे कुछ कुछ जो है मटेरियल इसका डिज़ाइन किया जाए, हो सकता है कहीं पे कोच बनाया जाए, हो सकता है कहीं पे व्हील्स बनाए जाए, या फिर हो सकता है तीनों जगह पर अलग अलग तरीके से बनाए जाए। हालांकि अभी डिसीजन नहीं आया है कि कहाँ पे कितना काम होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं रेलवेज बाद में अभी अनाउंस करेगा। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि रेलवेज जो है इनकी स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि जिन ट्रैक्स पर इनको चलाना है उन ट्रैक्स पर बुलेट ट्रेन का भी कंस्ट्रक्शन होगा। सो बुलेट ट्रेन के हिसाब से इन ट्रेनों की जो रफ्तार है 160 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जाएगी, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर अभी वंदे भारत चल रही है वो 130 किलोमीटर पर चल रही है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलाई जा रही है। लेकिन अब जो वंदे भारत आएंगी नई 44, इनकी स्पीड बढ़ाई जाएगी, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नए ट्रैक्स भी हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि इन ट्रेनों की स्पीड जो है वो 100% बढ़ाई जाने वाली है। और आप सबको पता होगा हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो वंदे भारत परियोजना के लिए CRRC कॉरपोरेशन, एक चाइनीज़ कंपनी है, बोली लगाने वाली एक अकेली विदेशी कंपनी थी। तो CRRC की बोली समाप्त कर देने की संभावना है। CRRC जो कंपनी है
उसने पहले भी जो हमारे भारत के अंदर दो वंदे भारत चलती हैं उसमें 35 करोड़ का जो है योगदान किया था। अगर 44 वंदे भारत बनाए जाएंगे, अगर CRRC अपना सिस्टम पूरा तरीके से नहीं हटाती या फिर रेलवे उसको नहीं हटाता है, तो कम से कम 1500 करोड़ तक जो है बजट वो CRRC का होगा। तो इस हिसाब से जो डिज़ाइनिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, सो उसमें CRRC यानी कि एक चाइनीज़ कंपनी का भी रोल होगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिस हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ, जो चाइनीज़ कंपनी है वो भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि हमें जल्द से जल्द हाई स्पीड ट्रेन और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के दर्शन जल्दी से हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी आप सभी लोगों के लिए 44 नए वंदे भारत से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ट्रेन 20 से रिलेटेड एक नया अपडेट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।